हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। पर बहुत सारे वीडियो मैंने आज अपलोड किए हैं, उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला बच्चे इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, प्लीज़ उसको ज़रा देखना, 10 मिनट का वीडियो है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे आप वहाँ पर एक अच्छे एयरमैन बन सकते वो मैं आपको बताऊँगा। अभी बात कर रहा हूँ मैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मैं रिसीव कर रहा था, आज तो तबाही मच गई है कि सर कदम ताल होगा या फिर रेस होगी। मेरा सब लोगों से एक ही सवाल है, आप लोग मुझे बस ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो ये रैली हुई थी उसमें रेस क्यों नहीं हुई। भाई ये जो यूट्यूबर बनते हैं उनसे तुम जाके पूछो ना यार, तू कह रहा था रेस होगी वहां पे, तो रैली कैसे होगी वहां पर? तो फिर ये बताओ मुझे कदम ताल क्यों हुई, वहां पर रेस क्यों नहीं हुई? तुम लोग कह रहे थे जीडी होगी, वहां पर जीडी नहीं हुई। यहां पर व्यूज के लिए कोई डिमांड ही नहीं है यार, यहां पर व्यूज डिमांड नहीं करना, यहां पर सिर्फ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देना है। रही बात मेरी क्रेडिबिलिटी की, तो रिजल्ट आने पहले से आपको फेज टू का मॉड्यूल बता दिया गया था, आप उसको चेक कर लेना। अब बात करते हैं भाई जीडी के बारे में। ग्रुप डिस्कशन में ऐसी गलतियां करने से बचें, एक गलती सिलेक्शन रोक सकती, ध्यान रखना। वो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि बेटा फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। क्या होगी वो पहला इंप्रेशन, ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन में नोट करता है आपका। इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, वीडियो लिस्ट में जाके देखो इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसमें मैंने बता रखा है। दूसरी जो गलती होती है बच्चे, वो आपका ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक के ऊपर आप कैसे अपने व्यू पॉइंट दे रहे हो, आपको नॉलेज है या नहीं है, या फिर अंग्रेजी ज्यादा बोलने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं तुमको बता दूं अंग्रेजी यहां पर क्या है, अंग्रेजी ज्यादा बोलने से यहां पर क्या है, सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है बच्चे, अंग्रेजी ज्यादा बोलने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये भर्ती है बच्चे गांव के लोंडो के लिए। अरे यूपी वालों कहां सो गए हो यार, बागपत, बड़ौद, शामली, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फर, एकदम तबाही मत जानी चाहिए वहां से। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशो वहां से रहा है। एमपी वालों, ग्वालियर, बिहार वालों, आरा, ठीक है, ये जो पटना के आसपास के एरिया यहां से, और हरियाणा में तो हर जगह से, राजस्थान, झुंझुनू, चुरू, है ना, ये बहुत अच्छी बेल्ट है जोधपुर की साइड, जहां से बच्चों के मैंने सिलेक्शन दिए हैं। अब जरा बात करते बेटा जीडी में क्या गलतियां आम तौर पर बच्चे करते हैं, वो तुम मेरी सुन लो। सबसे पहला क्या होता है बच्चे, फमलिंग होती है बोलने में, फप फप ऐसे बोलते हैं वो, है ना। कुछ लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ उंगली उंगली चलाएंगे, उंगली उंगली चलाएंगे, उंगली उंगली, उंगली नहीं चलानी भाई वहां पर। डोंट यूज हैंड एक्शन, पुट योर हैंड्स ऑन योर थाई, अपने हाथों को थाई पर रखो भाई, अपने हाथों को वहां पर क्या है, अपने हाथों को थाई पर रखो। सबसे बड़ा लूप होल जो मैंने नोटिस किया है कई बार, वो ये है कि आप लोग यहां पर अपनी, मतलब एक कनेक्टिविटी नहीं बना पाते अपने अदर दोस्तों से, जो आपके अदर फेलो मेंबर होते हैं ग्रुप में, जो अलग अलग चेस्ट नंबर पहन रखे होते हैं, आप लोग सिर्फ एक ही को देख के ऐसे बोलते रहते हो, ऐसे नहीं बोलना है भाई। बिल्कुल काम एंड कंपोज, शांति से अपनी बातों को रखना है। ज्यादा बोलने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। और मुंह बंद रखने से भी क्या बच्चे, इतना बोलो जितनी जरूरत है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग यार, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोलो, तुम लोग जीत जाओगे आराम से, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है वहां पर, ध्यान रखना। क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोलो तुम, जितना रिक्वायरमेंट। अब मान लो कोविड के ऊपर है, पहले टॉपिक का नाम सुनना है ध्यान से, पहले क्या सुनना है, पहले टॉपिक का नाम ध्यान से सुनो ना, क्या उसने दे रखा है। अब तुम कोविड के ऊपर क्या बोलोगे, अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने नोट्स बनवाओ, जो तुमको यहां में बनवाता हूं ना मेरे बैच के अंदर, एक एक से मेहनत, एक एक से बुलवाना, बार बार इंट्रोडक्शन बुलवाना, बार बार टॉपिक बुलवा के देखना। गला फट जाता है, अभी भी गले में दर्द है, लेकिन क्या करूं, बच्चों को पढ़ाना है, वो यूनिफॉर्म में मैं उनको देखना चाहता हूं, और वही मेरा एम भी है, ध्यान रखना। 01 दिसंबर से बैच था, उसको 05 दिसंबर से कर दिया गया है। अगर मेरे बैच में आना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, उस पर आके इनरोलमेंट कर लेना। दैट इज क्या बच्चे, 70 82 95 0147। और आप लोग जानते हैं ओनली 30 सीट्स वी हैव ओनली 30 सीट्स, ध्यान रखना। वी हैव ओनली 30 सीट्स ध्यान रखना। तो यहां पर ये बात क्लियर देखिएगा आप, ठीक है। कोविड के बारे में अगर बोलना है तो वहां पर बोलेगा कि कोविड-19 को, मतलब कैसे, क्या है कोविड-19, कैसे फैला कोविड-19, क्या क्या उसके प्रिकॉशन लेने चाहिए, कैसे हम पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक वैक्सीन नहीं आई है। इन बातों पे चर्चा करोगे तो मजा आएगा, लेकिन इन बातों को अंग्रेजी भाषा में बोलना है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रिटिशर, कॉल सेंटर वाले नहीं चाहिए, हाउ मे आई हेल्प यू। फौज है, और फौज का मतलब क्या है, फौज का मतलब यहां पर जुगाड़ है, फौज का मतलब यहाँ पे क्या है, जुगाड़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे नंबर आए होते हैं, क्या वो जीडी आउट नहीं होते हैं? रिस्क मतलब अपने लाइफ के साथ, मेहनत करो ढंग से। यूट्यूबर कोई तुम्हें पढ़ा रहा है तो डजंट मीन वो अच्छा है तो क्या तुम भी अच्छे हो। दूसरे को कॉपी करना छोड़ो और अपने आप को इंप्रूव करना सीखो।
दूसरे को यहां पर क्या है, दूसरे को कॉपी करना छोड़ो, अपने आप को क्या है यहां पर, अपने आप को इंप्रूव करना सीखो भाई यहां पर, तब जाके उन गलतियों को तुम अवॉइड करोगे, तब जाके तुम सिलेक्शन ले सकते हो, अदरवाइज सिलेक्शन कैसे होगा तुम्हारा। ग्रुप डिस्कशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस बार तुम देखना कैसे तुम्हें वहां पर निकाला जाएगा अगर तुम बिना मेहनत किए जाओगे। बहुत सारे लोगों को एक मन में फितूर है कि नहीं बस ऐसे ही हो जाएगा, अरे अगर ऐसे ही होता तो फिर इतने बच्चे आउट क्यों होते वहां से, पूछ के देखो उससे जो जीडी आउट हुआ है, पूछ को देखो उससे जो तीन तीन बार जीडी आउट हुआ है, पूछ के देखो उससे जो चार चार बार आउट हुआ है, पूछ के देखो उससे जो दो बार आउट हुआ है, अरे एक बार वाले से पूछ लो, पका पका सिलेक्शन चला जाएगा बेटा, एक गलती सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल सकती है। फिर तुम बोलोगे नहीं दिल्ली खराब है, नहीं बैरकपुर खराब है, नहीं बेंगलोर खराब है, क्या बात करते हो तुम यार, क्या बात करते हो, सारे अच्छे हैं। जो वहां से लग जाए पहले कानपुर को, मुझे आज भी याद जब मैं आपको ऑफलाइन के उसमें पढ़ाया करता तो बच्चे बोला गुरु जी कानपुर नहीं जाने का, बस कानपुर नहीं जाने का, कानपुर क्यों नहीं जाने का भाई, क्या कानपुर से बच्चे पास नहीं होते, ऐसा नहीं है, जाओ हर जगह, लेकिन रूल गेम खेलने से पहले उसके रूल पढ़ो, क्या भाई गेम खेलने से पहले यहाँ पर क्या उसके रूल पढ़ो। ये यूट्यूब ने कचरा कर दिया आजकल एजुकेशन का, हर कोई अपने व्यू दे रहा है यार, क्या वो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है भाई, थोड़ा समझो यार, बच्चे हो तुम अभी, तुमको इजिली लोग बदल देते हैं, लेकिन तुम्हें बदलना नहीं, तुम्हें समझना है। पहले बच्चे ध्यान रखना, हमेशा टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं तुम्हें 10 से 12 टॉपिक वो कराऊंगा जिसके आने की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी, ध्यान रखना, और वो टॉपिक धीरे धीरे आपको रोज मिलेंगे, रोज आना धीरे धीरे, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक को यहां पर बच्चे तीन टाइप में डिवाइड कर लो, यहां पर क्या टॉपिक्स को तीन टाइप में डिवाइड, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट है, क्या है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट है, क्या ये पॉजिटिव टॉपिक नहीं है, पॉजिटिव को बढ़ाओ। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे बढ़ाऊं भैया, पुलिस स्टेशन बनाओ महिलाओं के लिए, स्ट्रिक्ट लॉस करो ताकि लोग गलतियां ना करें, उनके लिए बच्चे एजुकेशन दो, उनको बच्चे यहां पर संसद के अंदर जगह दो, उनको विधानसभा के अंदर जगह दो, क्या वुमेन एम्पावरमेंट उससे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। खराब टॉपिक है वॉयलेंस इन मूवीज फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे इसको कम करना है, इसको यहां पर क्या है इसको कम करना है, कैसे कम करोगे भाई, आजकल लोग पबजी के बहुत शिकार हो गए हैं, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड में बच्चे उसको स्ट्रिक्ट लॉज लेके आने चाहिए यहां पर, ताकि जो वॉयलेंस दिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाए, ठीक है, पहले उसका सर्टिफिकेट चेक करें, लोगों को अवेयर करें उसके लिए, ठीक है, लोगों की बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए रेगुलर रूप से, तभी तो क्या होगा वो कम हो पाएगा, समझ रहे हो, ये चीजों को तुम ध्यान में रखो। इस तरीके से तीन तरीके से तुम यहां पर क्या है टॉपिक को डिवाइड करो, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अपने आप सोचो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। रोजाना क्लास लेके आऊंगा इसी टाइम, 10-10 मिनट की वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं यार, कमेंट जरूर करके जाना अच्छी लगी या नहीं लगी, बस ये रिक्वेस्ट है। और अगर लगते हो मेरा जो बैच चलता है बच्चे कहाँ चलता है, वो चलेगा भिवानी हरियाणा में, कहाँ चलेगा मेरा वो बैच चलेगा भिवानी हरियाणा में, ठीक है। और ये कब से चल रहा है बच्चे, पहले 01 दिसंबर से था, अब क्या है बच्चे 05 दिसंबर से हो गया है, 5 दिसंबर से हो रहा है क्योंकि किसान मूवमेंट चल रहा है। व्हाट्सएप के जरिए बच्चे वहां पर आके अपना सीट बुक करो, ठीक है, 70 82 95 0 147, ध्यान रखना, यहां पर आइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।